और क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्लीमेंटेशंस के प्रोजेक्ट शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने डेटा सेंटर को क्लाउड प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर रही है, इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में देखा जाए तो डेटाबेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। लाइक एक हॉस्पिटल जो अपना इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम अपग्रेड कर रही है। सो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की, तो इसका यूज़ काफ़ी फील्ड्स में होता है, लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिस्टम अपग्रेड्स, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखें तो न्यू आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप करना शामिल है। इसी तरह सिस्टम अपग्रेड में देखें तो एग्जिस्टिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाता है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में देखें तो न्यू टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट सक्सेस में, एफिशिएंसी में, क्लाइंट सेटिस्फिकेशन में एंड मैनी मोर। प्रोजेक्ट सक्सेस में देखें तो इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट टाइम, बजट और क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के विदन कंप्लीट हो। एफिशिएंसी में देखें तो ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करना प्रोसेसेस और वर्क फ्लो को आईटी प्रोजेक्ट के थ्रू। क्लाइंट सेटिस्फिकेशन में देखें तो क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना प्रोजेक्ट डिलीवरी और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। आई होप सो आपको आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।